हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चैप्टर नंबर 15 है उसमें से आधा चैप्टर किया था। आज हम ये चैप्टर पूरा करते हैं, तो हम आगे देखते हैं लास्ट सेकंड पैराग्राफ। सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत्। सत्यम ट्रूथ च एंड अहिंसा नॉन वायलेंस अस्य हिज जीवनस्य लाइफ्स मूल मंत्रम बेसिस आसीत वेर। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेर द बेसिस ऑफ हिज लाइफ। अहिंसा अवलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रतायै असहयोग आंदोलनम सत्याग्रहम च अकरोत्। अहिंसा नॉन वायलेंस अवलंब्य हैविंग टेकन रिकोर्स टू मीन्स हैविंग रिकोर्स टू नॉन वायलेंस स्वदेशस्य स्वतंत्रतायै। स्वदेशस्य मीन्स अवर कंट्री। स्वतंत्रतायै फ्रीडम असहयोग आंदोलनम मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट च एंड सत्याग्रहम मीन्स रिवोल्यूशंस अकरोत ही डिड। वो क्या कहना चाहते हैं कि अहिंसा का नॉन वायलेंस का सहारा लेकर स्वदेशस्य स्वतंत्रताए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए असहयोग आंदोलनम असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह उसने किया। ट्रांसलेशन इज हैविंग टेकन रिकोर्स टू नॉन वायलेंस ही मेड अवर कंट्री फ्री थ्रू नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एंड रिवोल्यूशंस। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1947 ईस्वीये अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्य द महापुरुषस्य ग्रेट पर्सन नेतृत्वेन विथ इज सपोर्ट अस्माकं देशः अवर कंट्री 1947 ईस्वीए इन 1947 अगस्त मासस्य मीन्स इन अगस्त मंथ 15th दिनांके ऑन 15th डे स्वतंत्रो अभवत् गोट फ्रीडम। इस महापुरुष के नेतृत्व के नीचे हमारा देश 15th अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तो हम ट्रांसलेशन देखते हैं। विथ द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पर्सन अवर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947 और अवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947 विथ द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पर्सन। सह मदीयाः सत्यस्य प्रयोगाः इति शीर्षकेण एकाम् आत्मकथाम् अलिखत्। सह ही मदीयाः माई सत्यस्य ट्रुथ एक्सपेरिमेंट प्रयोगाः इति शीर्षकेण विथ द नेम एकाम वन आत्मकथाम ऑटोबायोग्राफी अलिखत रोट। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी नेम्ड माई एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ।
वैष्णव जन तो तेने कहिए तस्य प्रिया प्रार्थना आसीत। वैष्णव जन जन तो तेने कहिए तस्य हिज प्रिया फेवरेट प्रार्थना प्रेयर आसीत वॉज। वैष्णव जन तो तेने कहिए वॉज हिज फेवरेट प्रेयर। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके एकस्य घातकस्य गुलिकया आहतो भूत्वा स्वदेहम अत्यजत। अभी क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। 1948 तमे वर्षे इन 1948 जनवरी मासस्य जनवरी मास में मीन्स जनवरी में 38 दिनांके ऑन 38 जनवरी 1948 एकस्य वन घातकस्य मर्डरर गुलिकया बुलेट आहतो इंजर्ड हुत्वा स्वदेहम हिज बॉडी अत्यजत लिव। 38 जनवरी के 1948 वर्ष में एक मर्डरर की घातक की बुलेट से वो जख्मी हुए आहतो भूत्वा मीन्स वो इंजर्ड हुए जख्मी हुए स्वदेहम अत्यजत और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ट्रांसलेशन इज ऑन 38 जनवरी 1948 ही वॉज इंजर्ड बाय द बुलेट ऑफ अ मर्डरर एंड डाइड। एषः महात्मा न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्ण विश्वस्य कृते अनुकरणीयः वंदनीयः चास्ति मीन्स च प्लस अस्ति। एषः महात्मा ये महात्मा न केवलं भारतस्य भारतीयों के लिए ही नहीं अपितु लेकिन संपूर्ण विश्वस्य कृते लेकिन सारे विश्व के लिए अनुकरणीय यानी कि अनुकरण करने के योग्य और वंदनीय है। ट्रांसलेशन इज द ग्रेट सोल इज वर्थी ऑफ इम्यूलेशन एंड गिवन रिस्पेक्ट नॉट फॉर द इंडियंस बट फॉर द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। मोरल मूल्य अहिंसा सत्यम आश्रित्य स्वराज्यम ये नवार्जितम नमस्तस्मै राष्ट्रपित्रे महात्मने। अहिंसा अहिंसा और सत्य का सहारा लेकर स्वराज्यम ये न वार्जितम जिसने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलवाई नमस्तस्मै उनको नमस्कार हो राष्ट्रपित्रे महात्मने उस महात्मा हमारे राष्ट्र के पिता को हमारे फादर ऑफ नेशन को नमस्कार है जिसने अहिंसा और सत्य का सहारा लेकर हमारे राष्ट्र को हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। ट्रांसलेशन देखते हैं। वी बो डाउन टू द फादर ऑफ अवर नेशन हु हैज़ गिवन अस फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस एंड फेथ इन ट्रूथ। तो स्टूडेंट्स मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पाठ के मीनिंग्स को देखते हैं पेज नंबर 72। महात्मा महा प्लस आत्मा ग्रेट सोल सत्यम ट्रूथ।
अहिंसा नॉन वायलेंस, मदिराम वाइन, मांसम फ्लैश, प्रतिज्ञा प्रॉमिस, प्रादुर्भाव टू बी बॉर्न, बाल्य कालैव फ्रॉम चाइल्डहुड, अतीव मोर, सत्यवादी वन हु स्पीक्स ट्रुथ, शत्रुता एनिमिटी, निरीक्षक इंस्पेक्टर, अनुकर्तुम टू कॉपी, बैरिस्टर एडवोकेट, दृष्ट्वा सीइंग, संकेतन बाय गिविंग हिंट, उपाधि डिग्री, गुलिकया बाय बुलेट, विधिशास्त्रम लॉ, आहतः इंजर्ड, विरोधम कृत्वा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, अवलंब्य हैविंग टेकन रिकोर्स टू, प्रयोग एक्सपेरिमेंट, इस्वीये इन एडी, घातकस्य ऑफ द मर्डर, अनुकरणीय वर्थी ऑफ इम्युलेशन, प्रार्थना प्रेयर, कृते फॉर, स्वदेहम इज बॉडी, अत्यजत लेफ्ट, रंग भेद नीते ही ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, एकदा वंस, पितुर नाम फादर्स नेम, आसीत वॉज, लिखितुम फॉर राइटिंग, आदिशत ऑर्डर्ड, कदापि एनी टाइम, भक्षयिष्यामि विल इट, प्रत्यागच्छत, कम बैक, शीर्षकेण फ्रॉम नेम, पुत्क डन। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के मीनिंग्स भी कर लिए हैं, वो आपको संस्कृत में और अंग्रेजी में आपकी क्लास वर्क में लिखने हैं।